हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम आज हिंदी पैडागॉजी पढ़ने जा रहे हैं और हिंदी पैडागॉजी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है आप लोगों का, टीचिंग एड्स, जिसके बारे में हम सभी पैडागॉजिकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें हम पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो आपका SST साइंस, व्हाटएवर जो भी हो, ठीक है, सभी में ये टॉपिक आता है आपका टीचिंग एड्स, ठीक है, जो शिक्षण में उपयोगी क्या होते हैं, सामग्री होती है, जो टूल्स हम यूज़ करते हैं, जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, जो मॉडल्स वगैरह ये यूज़ करते हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब आपके टीचिंग एड्स के अंदर आते हैं, ठीक है। आज हम वही पढ़ेंगे, टीचिंग एड्स क्यों ज़रूरी होते हैं, इनकी महत्वता क्या होती है, मतलब किन बच्चों को कराना चाहिए, किस टॉपिक से रिलेटेड हम जो क्या कहते हैं आपके टीचिंग एड्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से इनको यूज़ करना चाहिए, ठीक है, वही सब आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ध्यान से पूरा पूरे लेक्चर को आप सुनिएगा अच्छी तरीके से, ताकि आपको पूरा चैप्टर आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर आता है आप लोगों का शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री की परिभाषाएँ। डेंट के अनुसार सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है, ठीक है। डेन ने कहा है कि जो सहायक सामग्री है, जो टीचिंग एड्स है, वो क्या करते हैं, जो कंटेंट हम पढ़ाते हैं क्लास में, जो भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं क्लास में, उसको समझने के लिए मदद करता है, ठीक है। हम जो चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए मैं आपको चैप्टर समझा रही हूँ और इसको चैप्टर को समझाने के लिए मैं कोई टूल या फिर मतलब किसी पिक्चर का, किसी इमेज का या किसी भी और तरीके के टूल्स का यूज़ करके मैं आपको इस चैप्टर को समझा रही हूँ, तो ये किस में मदद करेगा मेरी, उस चैप्टर को ईजी बनाने में मदद करेगा, ठीक है, ईजी तरीके से समझाने में मदद करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर इसी तरीके से एल्विन स्ट्रॉन्ग के अनुसार सहायक सामग्री के अंतर्गत उन सभी साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिसकी सहायता से छात्रों को पाठ में रुचि बनी रहती है तथा वे उसे सरलतापूर्वक समझते हुए अधिगम के उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। इनका भी वही कहना है, बट शब्द इनके अलग हो गए हैं। कहना सबका वही है कि जो सहायक सामग्री है वो किस में मदद करती है, जो शिक्षण किया जा रहा है, जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उसको समझने में, सरलता से समझने में हमारी मदद करती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व। अब इसके महत्व जानते हैं, महत्व क्या क्या होते हैं, ठीक है। पहला हमने देखा कि सरलतापूर्वक समझने में महत्व करती हैं, ठीक है। जो आप देखते हैं ना कि आपको इस किसी इमेज को देखकर अगर आप पढ़ रहे हैं, किसी पिक्चर को देख के, या आप किसी मूवी को देख के कुछ सीख रहे हैं, जो आपके सामने ऑडियो वीडियो चल रहा है, तो ये सभी क्या है, आपके ज्ञान को कैसा बना देते हैं, स्थायी बना देते हैं। अब एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पर बता देती हूँ, जैसे कि अभी यही चीज़ है, यही कंटेंट अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको इतना इंटरेस्ट बुक में नहीं आएगा, क्योंकि बुक में आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन अपना बनाना पड़ेगा, ठीक है। बुक में समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिंग के साथ साथ बहुत कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा। लेकिन अब यहीं पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको यहाँ पर वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ जिसमें आप सिर्फ सुन के अपना जो चैप्टर है वो पूरा तरीके से समझ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप सुनेंगे तो आप सुनेंगे और देखेंगे तो क्या होगा कि आपका जो ज्ञान है, जो भी आप चीज़ें सीख रहे हैं, वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्थायी हो जाएगा, ठीक है, और आपको इजी तरीके से समझ में आएगा। अब बुक में पढ़ते टाइम आप में आपको कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, कुछ किसी लाइन का मतलब आपको समझ ना आए, किसी वर्ड का मतलब आपको समझ में ना आए, तो वहाँ पर आप अटक जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब आपको वीडियोज़ में आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि आप वही टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियरली आपको समझा दिया जाएगा, ना कोई किसी तरह का कोई रुकावट होगा और ना ही किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगी, ठीक है। तो यही होते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, वह यह अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्रदान करती है, यह शिक्षक के समय व ऊर्जा दोनों की बचत करती है, विचारों का प्रवाहात्मकता
प्रभावात्मकता प्रदान करती है, ठीक है। यानी कि जो टीचर है, ठीक है, वो अपने जो भी टीचिंग मटेरियल यूज़ करेगा ना पढ़ाने के लिए, वो उसके अपने एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होती है। क्यों? क्योंकि अगर उसको पता ही नहीं है कि मैं इस चैप्टर से रिलेटेड किस तरीके का टीचिंग एड यूज़ कर सकता हूँ, तो वो उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो ये एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है कि आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से आप किस तरीके का जो टीचिंग एड है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे जब टीचिंग एड से आप पढ़ाते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री का जब हम प्रयोग करते हैं क्लासरूम में, तो क्या होता है कि ये हमारे जो मतलब जैसे कि जो टीचर्स हैं उनका क्या करता है, समय व ऊर्जा दोनों की बचत करने का काम करता है, ठीक है। विचारों की प्रभावात्मकता का मतलब है कि विचारों का जो प्रभाव है, यानी कि जो विचार आते हैं उनका जो प्रभाव है उसको प्रदान करती है। यानी कि विचारों को आने के लिए एक तरीके से विचार आते हैं दिमाग में। जब आप कोई भी नई चीज़ अपनी क्लास में देखते हैं ना, जब बच्चा पिक्चर देखता है, इमेजेस देखता है, तो उसके दिमाग में ऑलरेडी एक पिक्चर बनने लग जाती है, एक इमेज उसके दिमाग में भी बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कि विचारों का प्रभावात्मकता, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करती है, ठीक है। भाषा क्या करती है, मतलब सॉरी, जो टीचिंग एड्स हैं, जो शिक्षण सहायक सामग्री हैं, वो क्या करते हैं, भाषा संबंधी कठिनाइयाँ जो है उन्हें दूर करती हैं, ठीक है। कुछ तरह की कुछ ऐसी टीचिंग एड्स आते हैं, कुछ ऐसे शिक्षण सामग्री आती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ सुनकर भाषा को सीख रहे होते हैं, ठीक है। अध्यापन रुचिकर होने से छात्र अधिक सक्रिय होते रहते हैं और पाठ को अधिक सरलता से ग्रहण करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ नई चीज़ क्लास में लेकर जाते हैं, तो बच्चों का इंटरेस्ट अपने आप से उस चीज़ में बन जाता है कि आज हमारी टीचर क्या लेकर आई है, इससे क्या करेंगी, ठीक है। तो उनके दिमाग में, उनके मन में क्यूरोसिटी हो जाती है, एक उत्तेजना उत्पन्न होती है कि हमें ये जानना है कि इसका हम क्या करेंगे, इससे क्या कराएंगी टीचर। तो वो सब बच्चों का दिमाग उसमें लगा रहता है, तो उससे क्या है, उनके जो इंटरेस्ट है वो बनता है, रुचि बनती है उससे, और उसमें ज़्यादा एक्टिव होते हैं बच्चे, सक्रिय रहकर अपनी पढ़ाई को करते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब भी हम शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो वो कैसा कर देता है हमारी पढ़ाई को, सरलतापूर्वक समझाने में हमारी मदद कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इससे विद्यार्थी गतिविधियों में सक्रिय बने रहते हैं, अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट, अनुसंधान व परियोजना कार्यों में बढ़कर हिस्सा लेते हैं, छात्रों को वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने, छूने, महसूस करने का अवसर मिलता है, वे प्राकृतिक व कृत्रिम वस्तुओं के तुलनात्मक भेद को जान पाते हैं, ठीक है। एक चीज़ होती है कि बच्चा क्या करता है, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी जो बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक्स होती हैं, उनमें जब हम ए पनार पढ़ाते हैं या ABCD पढ़ाते हैं, तो उसमें जो अल्फ़ाबेट होता है, जो भी आपका जो स्वर व्यंजन होते हैं, वर्ण होते हैं, वो कैसे लिखे होते हैं, बहुत छोटे लिखे होते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी जो इमेज होती है, जो उसकी पिक्चर होती है, जो उसका चित्र होता है, वो बहुत बड़ा होता है। तो बच्चा चित्र देख के पहचान जाता है, क्यों, क्योंकि उसने वो चीज़ अपने घर में रियल में देखी है, ठीक है। तो वही चीज़ होता है कि बच्चा दोनों में फ़र्क करना सीख जाता है, उसको पता रहता है कि क्या है इसमें और ये क्या चीज़ यूज़ की जा रही है, ठीक है। इसी तरीके से जब क्लासरूम में आपको चीज़ें दिखाई, क्लासरूम में बच्चों को कोई चीज़ दिखाई जाती है, तो उसमें क्या है, बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जो सामने वो चीज़ देख रहा है और उसमें, और जो चित्र में देखता है उसमें, वो क्या करना शुरू कर देता है, भेद जान जाता है, उसका तुलनात्मक भेद जान जाता है, उसमें तुलना करनी शुरू कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ते हैं हम, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग के उद्देश्य, इसके उद्देश्य क्या होते हैं। पहला है यहाँ पर, छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जागृत करना, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि इससे क्या होता है, छात्रों में रुचि जागृत हो जाती है, उनका इंटरेस्ट बन जाता है जब भी हम किसी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना। यहाँ पर क्या है कि मतलब जैसे कि आप जो फैक्ट्स या जो भी कंटेंट हम पढ़ रहे हैं, जो बुक्स में लिखा है, उसके लिए हम एक शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो उसको किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, हम जो सामने लिखा है उसी को हम उसके थ्रू बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से हम बच्चों तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है। इसका एक उद्देश्य ये हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर, सीखने की गति में सुधार करना।
भाई बच्चों का जब आप शिक्षण सामग्री का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, बच्चे और अच्छी तरीके से जल्दी जल्दी सीखना शुरू कर देंगे। ठीक है, छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाना, बच्चे भी उसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं ना, बच्चों का भी अपना एक पार्टिसिपेशन रहता है कि हमें भी ये चीज़ करके देखनी है, तो वो भी उसमें इन्वॉल्वमेंट उनका भी होता है, इसीलिए वो कैसे हो जाते हैं, अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर अभिरुचियों पर आशानुकूल प्रभाव डालना। ठीक है, हम अभी पढ़ कर आए हैं कि क्या होता है भाई, उसके बच्चों की क्या बन जाती है, रुचियां बन जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर तीव्र एवं मंद बुद्धि छात्रों को योग्यता अनुसार शिक्षा देना। भाई यहाँ पर ये चीज क्यों बोली गई है कि चाहे तीव्र हो चाहे मंद बुद्धि हो, ठीक है, छात्रों को दोनों को योग्यता अनुसार शिक्षा देना का मतलब है कि हम, हो सकता है कि कुछ बच्चों को सिर्फ और सिर्फ जो कंटेंट है उसको पढ़ के समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा करने की हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम कुछ एक्स्ट्रा करें तब उन्हें समझ में आता है। तो यहाँ पर दोनों ही तरह के बच्चों को लिया गया है, चाहे वो तीव्र बुद्धि वाले हों या फिर मंद बुद्धि वाले हों, दोनों को ही कैसा होता है, बच्चों को योग्यता अनुसार शिक्षा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर जटिल विषयों को भी सरस रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, यानी कि जितने भी आपके टफ टॉपिक्स हैं उनको भी कैसे प्रयोग करना या कैसे प्रस्तुत करना, बिल्कुल इजी तरीके से उनको प्रेजेंट करना। ठीक है, बिल्कुल जो भी आपके जितने भी कठिन आपके जो कंटेंट हैं, जो आपका बुक्स में जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी चैप्टर है, उसको किस तरीके से प्रयोग करना, उसको बिल्कुल सरल तरीके से प्रेजेंट करने का काम कौन करता है, शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर बालकों का ध्यान अध्ययन पाठ की ओर केंद्रित करना। भाई ठीक है, हम लोग क्या है, हम जो भी शिक्षण सहायक सामग्री लेकर जा रहे हैं, जो भी TLM हम लेकर जा रहे हैं, वो क्या करेगा, बच्चों को उसकी तरफ केंद्रित करेगा, उसकी तरफ बच्चों का आकर्षण केंद्रित करेगा कि बच्चों का आकर्षण खींचेगा, उसी से क्या होगा, बच्चे उस पाठ को सरलता पूर्वक समझ पाएंगे। तो बेसिकली उस एक्टिव जो भी आप मॉडल लेके जा रहे हैं या इमेज लेके जा रहे हैं, बेसिकली उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को वो पाठ समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनको सिर्फ पढ़ के समझाना कठिन था। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप में देखना। भाई यहाँ पर क्या है कि हम जो चीज़ नहीं देख सकते, अब बच्चों का क्या है, जैसे मान लो मैं सोलर सिस्टम का एग्जाम्पल लूँ, सौर मंडल है, अब बच्चे उसको सौर मंडल को वहाँ जाकर तो देख नहीं सकते कि अंतरिक्ष में जाकर देखें कि सौर मंडल कैसा दिखाई देता है, ठीक है, वो तो इम्पॉसिबल है बच्चों के लिए। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक मॉडल तैयार करते हैं और उसके थ्रू हम समझाते हैं कि भाई बच्चों देखो ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, ये अलग अलग ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, वो सब हम हम बच्चों को वहाँ पर दिखाते हैं। तो वहाँ पर क्या हो गया, जो अमूर्त चीज़ हैं जो वो नहीं देख सकते, उनको वहां पर हमने प्रस्तुत करके उनको दिखा दिया मूर्त रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर बालकों की निरीक्षण शक्ति का विकास करना। भाई बालकों की निरीक्षण शक्ति का विकास होगा ही होगा, जब भी वो बच्चे अपना जो आप मॉडल लेके जा रहे हैं या पिक्चर लेकर जा रहे हैं उसको समझने के साथ साथ वो क्या करेंगे, उसके निरीक्षण भी करेंगे। ठीक है, वो चेक करेंगे ये कैसा चलता है, क्या करता है, क्या काम है इसका, किस तरीके से मतलब रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो सब वो देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आता है शिक्षण सहायक सामग्री के कार्य। यहाँ पर कार्य की बात करें तो कार्य में क्या करेगा, वो मोटिवेट करेगा। ठीक है, पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें क्या होगा, बच्चों को प्रेरणा मिलेगी या बच्चे उसमें रुचि अपना इंटरेस्ट अपना दे पाएंगे। ठीक है, थ्योरी ऑफ एक्टिविटी होती है, इसमें गतिविधि और क्रिया का सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पष्टीकरण, चौथा है अनुभवी शिक्षण और पांचवा है आपका शब्दावली का विकास। ठीक है, क्या होगा इससे, बच्चों को एक तो मोटिवेशन मिलेगी पढ़ने के लिए, आगे क्या हो जाएंगे, वो मोटिवेट हो जाएंगे जब आपके सामने कोई भी ऐसी नई चीज़ आपको क्लास में भी दिखाई देती है या फिर आपको वीडियोस में भी दिखाई देती है, तो आप क्या है उसको देखने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं कि देखें इसके अंदर है क्या एक्चुअल में। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर गतिविधि क्रिया का सिद्धांत, या मतलब कि इसमें क्या उपयुक्त होता है कि बच्चे क्रियाशील हो जाएंगे, बच्चे क्या करेंगे उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, सक्रिय तरीके से उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, यानी कि एक्टिव तरीके से इन्वॉल्व रहेंगे और उसमें अपना जो गतिविधि है, जो क्रिया है, वो उसमें खुद अपना करके सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्पष्टीकरण, भाई अब हम उसको जो यूज़ कर रहे हैं शिक्षण सहायक सामग्री, वो क्या कर रही है, वो चैप्टर को एक्सप्लेन करने का काम कर रही है ना,
वो चीज़ चलेगी। और नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सपीरियंस टीचिंग, अनुभवी शिक्षण। तो एक्सपीरियंस टीचिंग का मतलब है कि उससे क्या होगा, अगर हमने मान लो सोलर सिस्टम का चैप्टर है और उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ उनको इमेज लेकर चली गई, इमेज से मैं उसको पढ़ा रही हूँ, तो बच्चों को आधी चीज़ें समझ में आएंगी, आधी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, बच्चों को इमेज देके समझ में आएगा कि भाई हमारे जो अंतरिक्ष है, जो सौर मंडल है, उसमें 8 ग्रह हैं और ये नाम के ग्रह हैं। ठीक है, बस इतना पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैं बच्चों को वहीं पर रोटेशन और रेवोल्यूशन का मतलब समझाने लग जाऊँ, तो उसके लिए मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए मुझे मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी वो समझाने के लिए। तो मैं क्या है, प्रॉपर एक मॉडल तैयार करके बच्चों के सामने लेकर जा सकती हूँ, उससे मैं उनको समझा सकती हूँ। वो मॉडल दोनों तरीके का हो सकता है, वर्किंग भी हो सकता है और नॉन वर्किंग भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर शब्दावली का विकास। तो डेवलपमेंट ऑफ वोकैबलरी, जब वहाँ पर बच्चा नई चीज़ को देखेगा, सीखेगा, तो वहाँ पे बच्चे के साथ में क्या होगा, नई नई उसकी जो वोकैबलरी है उसमें नए शब्द ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये थे शिक्षण सहायक सामग्री के कार्य। नेक्स्ट अगर बात करें शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातें, कि जब हम कोई शिक्षण सामग्री प्रयोग कर रहे हैं तो उस समय हमें कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो पहला है यहाँ पर, ये सामग्री छात्रों के अनुभव, ठीक है, कैसी होनी चाहिए, छात्रों के अनुभव समझ आयु के अनुसार होना चाहिए। भाई जो भी टीचिंग एड आप लेकर जा रहे हैं, जो भी TLM आप लेकर जा रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, बच्चों का जो मेंटल लेवल है, जो उनका जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनकी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, सामग्री पाठ्य वस्तु से संबंधित होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि चैप्टर से अलग ही आप कुछ लेकर जा रहे हैं, नहीं, जो भी आप लेकर जाते हैं वो कैसा होना चाहिए, पाठ्य वस्तु से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर सामग्री का चयन करते समय ध्यान रहे कि ये छात्रों में रुचि जागृत करने वाली हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि बच्चे इससे क्या हो जाए, बोर हो जाए और बच्चे इसको समझने में अपनी रुचि ना लगाएं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे ऐसा, आपको जो शिक्षण सहायक सामग्री है ऐसा चूज करना है, ऐसा चयन करना है जिससे कि बच्चों की रुचि उसमें जागृत हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर सहायक सामग्री का प्रयोग जितने समय के लिए आवश्यक हो उतने ही समय के लिए प्रयुक्त की जानी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा ना हो कि आप हर चैप्टर के लिए सहायक सामग्री लेकर जा रहे हो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपको जितना चैप्टर के लिए, जिस चैप्टर के लिए लगता है कि ये चैप्टर बच्चों को पढ़ाने से समझ में नहीं आएगा, मतलब पढ़ाने मात्र से समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मुझे कुछ एडिशनल करना होगा, तो वो आपको उसके लिए करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जो समझ में भी आ जाए उसके लिए भी आप क्या लेकर चल दिए, TLM लेकर चल दिए। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर सामग्री यदि नवाचार यानी इनोवेशन से जुड़ी व तकनीक से संबंधित है तो प्रयास होना चाहिए कि इस सामग्री का संचालन सरल हो। ठीक है, मान लीजिए कि अगर मैं इसका कोई कोई क्रिएटिव लेकर जा रही हूँ, यानी कोई टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई भी मैं सामग्री लेकर जा रही हूँ, तो उसको वो कैसी होनी चाहिए, बच्चों को चलाने में समझने में कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर प्रयुक्त की जा रही सामग्री उचित अवस्था में होनी चाहिए, यानी कि प्रॉपर बनी हुई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर कोई इमेज लेकर जा रहे हैं वो कहीं से फटी है, कहीं से कुछ हो रहा है उसमें, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई मॉडल लेकर जा रहे हैं तो वो भी प्रॉपर होना चाहिए, और कोई आप इमेज या कोई चार्ट आप लेकर जा रहे हैं तो वो भी प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर इन द सेंस के इतना तो होना चाहिए कि बच्चों को, अगर आप यहाँ से अगर टेबल पर रख के आप दिखा रहे हैं तो सभी बच्चों को वो दिखनी चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए, इतना प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर उपयोग से पूर्व शिक्षक को एक बार उस सामग्री का कृत्रिम वातावरण में अभ्यास कर लेना चाहिए, यानी कि जब भी आप क्लासरूम में उस सामग्री को लेकर जा रहे हैं तो उस सामग्री को लेके जाने से पहले पहले खुद जो टीचर है उसको वो क्या कर लेना चाहिए, उसको देख लेना चाहिए वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्या है उसमें, उसकी उससे सारी रिलेटेड चीज़ें उसको टीचर को खुद ये पहले पढ़ लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करके जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर सामग्री के प्रभावशाली उपयोग के बारे में समस्त सावधानी ध्यान पूर्वक पढ़ लेनी चाहिए, प्रयोग के तुरंत बाद सामग्री को छात्रों के सामने से हटा देना चाहिए। ठीक है,
एक बार आपने प्रयोग कर ली सामने बच्चों के, उसके बाद आपको उस सामग्री को बच्चों के सामने से हटा देना चाहिए। ये नहीं कि आप वहीं छोड़कर उसको चल दिए, ठीक है। और जितनी भी उससे रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी उससे रिलेटेड बच्चों को बतानी है या जो भी है, वो खुद पहले से ध्यानपूर्वक पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी साइंस का प्रोजेक्ट आप लेकर जा रहे हैं, कोई आप केमिस्ट्री का या कुछ क्या प्रैक्टिकल कराने जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें क्या है, घातक हो सकती हैं। तो उसके लिए पहले से आपको क्या करना चाहिए, पहले से आपको चीज़ें जो हैं वो पढ़ लेनी चाहिए कि क्या क्या सावधानी वहाँ पर ले जाने के बाद मुझे बरतनी है बच्चों के साथ में, अपने साथ में। तो वो सब चीज़ें टीचर को पहले से ही पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर अनुदेशनात्मक सामग्री का प्रयोग वातावरण एवं परिस्थिति के अनुसार सही स्थान पर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो भी आप सामग्री यूज़ कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट और जो भी वहाँ की परिस्थिति है, सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर सहायक सामग्री में प्रयोग, सहायक सामग्री के प्रयोग में अति शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शीघ्रता में उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। सामग्री का प्रयोग पूर्ण तैयारी के आधार पर सटीक होना चाहिए, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि अगर मैं वहाँ पर कोई सामग्री लेकर जा रही हूँ और उसको मैं जल्दी जल्दी समझा दूँ तो बच्चे को ना तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। बच्चे को ना तो वो समझ में आएगा कि आपने क्या बोला, और ना ही आप उससे उस चैप्टर को क्लियर कर पाएंगे जिस चैप्टर के लिए आप उसको लेकर आए थे, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि आपको बहुत आराम से ध्यान से बच्चों को मतलब तैयारी करानी है या पढ़ाना है उससे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर अनुदेशनात्मक सामग्री का प्रयोग उचित ढंग से होना चाहिए। यूनेस्को के प्रकाशन टीचिंग ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज, ठीक है, में लिखा है कि शिक्षक के लिए सहायक किसी सहायक साधन को गलत और बुरी तरह प्रयोग करने से अच्छा उसे प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। टीचिंग ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज में यूनेस्को के एक प्रकाशन है, ठीक है, एक पब्लिकेशन है जिसका नाम है टीचिंग ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज। उसमें लिखा हुआ है कि जो टीचर है, अगर उसको वो मॉडल या फिर जो भी वो टीचिंग एड लेकर जा रहा है उसको ठीक तरीके से प्रेजेंट करना उसे नहीं आता है, तो गलत प्रेजेंट करने की बजाय वो प्रेजेंट ना ही करे वो बेटर है, है ना। यानी कि बच्चों तक कुछ गलत ना पहुंचे, उसके लिए अगर उसको नहीं पता है उसके बारे में सारा कुछ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको प्रेजेंट करे, उससे अच्छा है कि वो वहाँ पर प्रेजेंट उसको ना ही करे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्राय दृश्य श्रव्य उपकरण मूल्यवान होते हैं, अतः उनकी उचित सुरक्षा आवश्यक है, ठीक है। जो दृश्य श्रव्य सामग्री आप प्रयोग करते हैं वो कैसे होते हैं, मूल्यवान होते हैं, उन जो मतलब कॉस्टली होते हैं थोड़े, उनको जो उनकी सुरक्षा है वो कैसी होती है, वो आवश्यक है, वो ज़रूरी है कि उनको थोड़ा ध्यान रखा जाए कि कहीं से कुछ टूट ना जाए या कहीं से कुछ खराब ना हो जाए, तो उसके लिए उनकी जो सुरक्षा है वो ज़्यादा आवश्यक होती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर पढ़ते हैं हम सामग्री के प्रकार, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार क्या हैं। तो पहली है यहाँ पर प्रमुख श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री से मतलब है कि जो सिर्फ और सिर्फ सुनने के काम आती है, ठीक है, किसके काम आती है, जो सिर्फ सुनने से रिलेटेड है, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग से रिलेटेड है, ठीक है। जिसमें पहला है यहाँ पर रेडियो, दूसरा है ग्रामोफोन तथा लिंग्वाफोन, तीसरा है यहाँ पर टेप रिकॉर्डर, ठीक है। ये तीनों ही कैसी है आपकी कैसी है, श्रव्य सामग्री है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आती है प्रमुख दृश्य सामग्री। अब ये क्या है, जो देखने से रिलेटेड है, ठीक है, जो क्या है, देखने से रिलेटेड है, यानी जो चीज़ें विजिबल हैं, देखने से रिलेटेड होती हैं। पहला है यहाँ पर श्याम पट, दूसरा सूचना पट, तीसरा चार्ट, चौथा नमूने या मॉडल, ठीक है, चित्र, मूक चित्र, रिमान चित्र व रेखा चित्र, फ्लैनल बोर्ड, संग्रहालय, ठीक है, प्रशिक्षण और आपका संवाद सामग्री, ठीक है। ये सभी क्या हैं आपके प्रमुख दृश्य सामग्री हैं, ठीक है। जो भी आपकी देखने वाली रिलेटेड सामग्री होती है ये सारी आपकी हम देख सकते हैं, ठीक है। और जो पहले अभी हमने देखी थी वो क्या थी, सिर्फ और सिर्फ समूह सुन सकते हैं, उनमें हम ना कुछ देख सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज की जाती है वो क्या है? दृश्य श्रव्य सामग्री, जिनको हम सुन भी सकते हैं और जिनमें हम देख भी सकते हैं, ठीक है। उसमें पहला है चलचित्र अथवा सिनेमा, ठीक है। क्या है? जो सिनेमा होते हैं वो, उनको हम चलचित्र, चलचित्र हम टीवी को भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। यहाँ पर सिनेमा से रिलेट किया गया है इसको। नेक्स्ट है यहाँ पर टेलीविजन, तीसरा यहाँ पर भ्रमण, चौथा यहाँ पर भाषा खेल, और पांचवा यहाँ पर नाटक है। भ्रमण आपको पता ही है, जो टूर करते हैं हम, ठीक है। जो भी आपके क्या होते हैं, एजुकेशनल टूर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का महत्व। भाई सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो TLM होता है, जो सबके पास अवेलेबल होता है, वो क्या होती है? हमारी पाठ्य पुस्तक होती है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक के बिना तो पढ़ाई नहीं कर सकता ना कोई भी बच्चा। तो उसका महत्व हम यहाँ पर जानते हैं क्या है। पहला है यहाँ पर, पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थी के भाषाई कौशलों, श्रवण, वाचन, पठन और लेखन में निपुणता प्राप्त करने में सहायक है। भाई पाठ्य पुस्तक जो है, उसी से हम क्या करना सीख जाते हैं, उसी से हम सुनना सीख जाते हैं। ये सभी क्या है, चारों कौशलों में हमारे लिए क्या होती है, निपुण हो जाती है, ठीक है। इसमें हम क्या हो जाते हैं, चारों कौशल हम सीख सकते हैं, श्रवण भी, वाचन भी, पठन भी और लेखन भी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, पाठ्य पुस्तक के विद्यार्थी में स्व अध्ययन के गुण को विकसित करने में सहायक होती है। स्व अध्ययन का मतलब है कि अपने आप से पढ़ने की गुण, ठीक है। अब बच्चा क्या है, अपने आप से बुक को पढ़ के समझ रहा है कि इस बुक में क्या लिखा हुआ है, क्या कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, पाठ्य पुस्तकें पाठ्यक्रम को व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलाने में सहायक है। भाई पाठ्य पुस्तक में ही तो पता होता है पाठ्यक्रम का क्या व्यवस्थित और सुचारू रूप है, यानी कि किस तरीके से चैप्टर्स में डिसाइड किए गए हैं, क्या सिलेबस है, वो आपको किससे पता चलता है? बुक से ही पता चलता है ना कि किस तरीके के चैप्टर्स इसमें आएंगे, कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं, वो सब आपको किससे पता चलता है, पाठ्य पुस्तकों से पता चलता है। अभी यहाँ पर कुछ ऐसी बताई गई हैं, कुछ जो मतलब अच्छी पुस्तकें होती हैं उनके गुण बताए गए हैं कि अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुण क्या होते हैं, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में संपूर्ण पाठ्यक्रम व्यवस्थित ढंग से संग्रहित होना चाहिए, यानी कि जो सिलेबस में आपको दिया गया है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कैसा होना चाहिए, अरेंज होना चाहिए एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में, ठीक है। ऐसा ना हो कि जो सिलेबस में आपको दिया है उसमें एक चैप्टर कहीं है, दूसरा चैप्टर कहीं और दिया है, नहीं, आपको लिंक करके चैप्टर्स दिए जाने होते हैं एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में, और वैसे ही होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में संकलित अध्याय विद्यार्थियों की आयु, मानसिक एवं बौद्धिक अवस्था के अनुसार होना चाहिए। बच्चों की जो भी आपकी बुक्स डिसाइड की जाती हैं वो किसके बेसिस पे किए जाती हैं, एज के बेसिस पे, आपकी मेंटल और आपकी कॉग्निटिव अवस्था, यानी कि उस जो आपकी मेंटल एज है, जो मेंटल लेवल है, उसके बेस्ड पे क्या की जाती है, आपकी पाठ्य पुस्तक का जो भी कंटेंट है, जो भी सिलेबस है, जो भी आपका पाठ्यक्रम है, वो डिसाइड किया जाता है और उसी के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों में ज्ञान प्राप्त के लिए जिज्ञासा उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए, ठीक है। जिससे कि हम पढ़ते वक्त में ये जिज्ञासा उत्पन्न हो कि अब इसके आगे क्या है, ठीक है, अब इसके आगे क्या है, इस चीज़ की जिज्ञासा उत्पन्न करने में एक पाठ्य पुस्तक सहायक होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, पाठ्य पुस्तक की भाषा सरल एवं स्पष्ट तथा छात्रों की योग्यता के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। आपने भी देखा होगा, बहुत सारी बुक्स आप लोगों ने प्रेफर की होंगी, बहुत सारी बुक्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी अपने CTET के एग्ज़ाम के लिए या और भी किसी एग्ज़ाम के लिए। तो आपने देखा होगा कि जिस बुक में इजी लैंग्वेज में आपको मिल जाता है ना, आप उस बुक को प्रेफर करते हो, ठीक है। बजाय उसके कि कहीं पे कोई डिफिकल्ट सा वर्ड लिखा है, ठीक है, उसकी बजाय आप कैसा प्रयोग करते हो, जो आपकी जो भाषा जिसमें कैसी लिखी होती है, सरल एवं स्पष्ट लिखी होती है, ठीक है, उस बुक को आप भी प्रेफर करते हो। तो बच्चों की जो पाठ्य पुस्तक है वो कैसी होनी चाहिए, उसकी भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, भाषा की एक अच्छे पाठ्य पुस्तक में साहित्य को विभिन्न विधाओं यथा कहानी, कविता, नाटक, निबंध इत्यादि का समावेश होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए बच्चे की पाठ्य पुस्तक में,
कहानी होनी चाहिए, कविता, नाटक, निबंध, ये सब होने चाहिए, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, बच्चों का साहित्य में, बच्चों की साहित्य में रुचि आ पाएगी, ठीक है, बन पाएगी या आ पाएगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं बाल साहित्य एवं उनका महत्व क्या है। बाल साहित्य में अभी हमने पढ़ा ना क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, निबंध होना चाहिए, ठीक है, कहानी, कविताएं, ये सब होनी ज़रूरी है। बाल साहित्य बच्चों के मानसिक विकास में सहायक होता है। बाल साहित्य बच्चों की कल्पनाशीलता में वृद्धि करने में सहायक होते हैं, ठीक है। बाल साहित्य से क्या होता है, बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट है यानी मानसिक विकास है उसमें क्या है, सहायक होता है। बाल साहित्य बच्चों की कल्पनाशील शक्ति यानी कि जब हम कोई भी स्टोरी या कोई भी हम कोई पोएम पढ़ रहे हैं या कोई भी हम स्टोरी पढ़ते हैं तो हम उसमें एक इमेजिनेशन में चले जाते हैं ना, तो बच्चों का उससे क्या होता है, उनकी जो इमेजिनेशन पावर है वो कैसी होती है, डेवलप होती है, किससे, साहित्य से, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, बाल साहित्य रुचिकर होने के कारण विद्यार्थियों के भाषाई कौशलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आपने देखा होगा कि बच्चे क्या है, जो स्टोरीज होती है या जो कविताएं होती हैं, जो कहानी कविताएं होती हैं, उसमें क्या करते हैं, बच्चों की अपनी अति रुचि बन जाती है, ठीक है, पढ़ने के उस पर रुचि बन जाती है, बच्चे उनको पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब उसको पढ़ना पसंद करते हैं तो उनमें क्या होता है, बच्चों के जो भाषाई कौशल हैं उसमें क्या हो जाता है, विकास होना शुरू हो जाता है, ठीक है भाई। जब उनको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा तो ऑब्वियसली बात है कि क्या होगा, बच्चों के जो भाषाई कौशल हैं उनमें विकास होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर, बाल साहित्य विद्यार्थियों में पठन कौशल की तीव्रता से विकास करने में सहायक होता है। जो पठन कौशल है यानी कि पढ़ने में कैसा होता है, ये बहुत ही मतलब तीव्रता का विकास करता है, ठीक है, बच्चों का पढ़ने में तीव्रता विकास करने में सहायक है, जल्दी से जल्दी पढ़ सकते हैं, उनको रीडिंग हैबिट लग जाती है, उस चीज़ में सहायक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, बाल साहित्य बच्चों के शब्दकोश में वृद्धि करने में सहायक है। भाई ऑब्वियस ही बात है, जितना पढ़ोगे उतनी शब्द में वृद्धि होती चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, बाल साहित्य बच्चों को विभिन्न विधाओं से परिचित करवाने के साथ ही भाषा की बारीकियों से अवगत करवाता है, ठीक है। जो आपने देखे होंगे, जो भी आपकी कहानी कविताओं की बुक आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होंगी या अभी अगर आप लोगों को हैबिट है पढ़ने की, तो अभी अगर आप पढ़ते होंगे जो साहित्य है, एक्चुअल का जो साहित्य है, उसमें क्या होता है, भाषा को बहुत ही बारीकी तरीके से लिखा गया है, उसको बिल्कुल एक अच्छे ढंग से लिखा गया है। उनमें जो हम जो मिक्स कर देते हैं ना हिंदी इंग्लिश का और जो बहुत सारी भाषाओं को मिक्स कर देते हैं, वो उसमें नहीं होता है, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से भाषा को लिखा गया है। तो बच्चों को जब आप वो चीज़ें पढ़ते हैं तो बच्चों को उनमें भी क्या होता है, उन भाषा की बारीकियों से अवगत करवाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर था जिसमें हमने क्या पढ़े हैं, शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में हमने पढ़ा है कि किस तरह की होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए और किस किस तरीके से हम उसको प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सारे मतलब जो चैप्टर का कंटेंट है, जो पूरा चैप्टर है, वो यहाँ पर ख़त्म कर लिया है। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर थर्सडे से 8:30 से आपका 9:30 बजे तक, ठीक है, इसको 8:30 से डिवाइड कर लेते हैं हम, 8:30 से ये 9:00 बजे तक तो आपका चलेगा क्या, हिंदी और इंग्लिश, ये सुबह का टाइम है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का आपका क्या चलेगा, प्रैक्टिस चलेगा, ठीक है। अभी हम लोगों के पास में टाइम बहुत कम है तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ, टाइम कम भी है और हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है हिंदी इंग्लिश पेडागॉजी का, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में फिर आपका 9:15 से ले लीजिए, ठीक है, 10:45 तक या पूरा 11:00 बजे तक आप लोगों का क्या चलेगा, यहाँ पर EVS चलेगा, ठीक है। EVS का कंटेंट भी आप लोगों का ख़त्म होने जा रहा है, तो जैसे ही कंटेंट ख़त्म होगा उसके बाद आप लोगों की प्रैक्टिस करनी शुरू करा दी जाएगी। और यहाँ पर ये प्रैक्टिस आप लोगों के दोनों एग्ज़ाम के लिए होगी, रीट के लिए भी होगी और आपके CTET के लिए भी होगी, ठीक है।
दोनों एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन होगी, तो दोनों एग्जाम्स को दिमाग में लेकर चलिएगा। जिसको भी अपना मतलब जिसको भी रीट का एग्जाम देना है वो भी यहाँ पर प्रैक्टिस करे, और जिसको सीटेट देना है वो तो प्रैक्टिस करे ही करे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इन सारे चैप्टर्स की, जो हमारे इंग्लिश पेडागोजी है उसका चैप्टर्स मैं फिनिश कर चुकी हूँ सारे के सारे। जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को वीडियो के तौर पे आप लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसी की कोई भी ऐसी शिकायत नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि हमारा कोई सिलेबस का कोई टॉपिक छूटा है, ठीक है। कोई भी टॉपिक मैंने आप लोगों का छोड़ा नहीं है। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इससे रिलेटेड क्या करेंगे, प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। कब से? थर्सडे से तो नहीं करेंगे, थर्सडे तो सॉरी थर्सडे से नहीं करेंगे हम, इसको फ्राइडे से करेंगे, ठीक है। कब से करेंगे हम इसको? फ्राइडे से करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर जितने भी लोग मेरे साथ में यहाँ पर अभी जुड़े हुए हैं उन सभी को थैंक यू। इस वीडियो को पूरा, अपना जो पूरा लेक्चर है उसको पूरे तरीके से देखिएगा, पूरे तरीके से पढ़िएगा। जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको भी आप लोग तरीके से पढ़िएगा, सुनिएगा, ठीक है, जिससे कि आप लोगों की तैयारी हो जाए। और जब प्रैक्टिस हम करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को फटाफट फटाफट आंसर्स देने हैं और अपना इवैल्यूएशन करना है कि आपने कितना सीख लिया है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।